नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे आपके फेवरेट गिव अवे के बारे में भी। और अगर आप भी इन दोनों में शामिल होना चाहते हैं, इस वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और हम लोग अगले हफ्ते संडे की वीडियो में उसका जवाब देंगे और गिव अवे में भी शामिल होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने जो पिछले संडे की वीडियो में सवाल किए थे उनके बारे में बात करना। तो अब बात करते हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में, जो कि सबसे पहला जो सवाल निकल कर आता है वो है सुल्तान खान का। इनका कहना है कि सर, जो अभी सिचुएशन है, क्या इस समय फ्यूचर ट्रेड लेना चाहिए? तो इस समय फ्यूचर ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल समय में लेते हैं, जैसे दिन में काफ़ी सारी कॉल ले ले, उसकी हाफ़ या उससे भी कम, मतलब लिमिट में लीजिए। जब देखिए एग्जैक्ट आपको पता है कि चीज़ें क्या होने वाली हैं, सुबह साढ़े पाँच बजे की कैंडल एक फिक्स होती है, उसमें ले सकते हैं। कुछ कुछ समय पर आप देखें कि हाँ, यहाँ पर जब सिचुएशन बन रही तब आप ले सकते हैं फ्यूचर ट्रेड इस समय भी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हाजी असलम का। कहना है सर, मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा है, आप कोई हेल्प करते हैं? क्या वजह है मोनिटाइज नहीं हो रहा है, मतलब व्यूज़ कम आ रहे हैं? तो वीडियो और अच्छी बनाइए, और अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल मोनिटाइज हो जाएगा। जब हमने अपना मोनिटाइजेशन शुरू करना था तो मुझे भी बहुत समय लगा था। स्टार्टिंग में तो यूट्यूब को ही समझने में लग जाता है कि यूट्यूब पर डालना क्या है, और फिर जब ये पता चलता है तो फिर उसके सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर मोनिटाइज हो जाता है। मतलब शुरुआत की मेहनत वो सीखने में लगती है, और जब आप सीख चुके होते हैं सिर्फ 20 दिन के अंदर सारा का सारा काम हो जाता है। 1000 सब्सक्राइबर से और ज़्यादा हो जाते हैं, और 4000 घंटे से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस सबसे पहले ये समझना है कि क्या हमको ऑडियंस की किस हिसाब से उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट सवाल है रविशंकर पहान का। इनका कहना है कि गरीब लोगों का पैसा ही स्कैम नहीं करना चाहिए, और $80 का यूजिटी खरीदारी करने के लिए करना होगा बोले थे, और टोटल $250 डलवा लिया विड्रॉल करने के लिए, सिग्नेचर फ्री मांग रहे हैं। आपने मेरे से विड्रॉल फी मांगी $100 के लिए, और मतलब कुल मिला के देखिए रविशंकर जी, आपके साथ स्कैम हो गया है। हम हर वीडियो में कई बार बोलते हैं, अपने जो हमारा जो बीच में पार्ट चलता है जिसमें कि हम हर वीडियो में यही डालते हैं कि स्कैमर से बच के रहो, किसी को भी पैसा नहीं दो इंक्लूडिंग मी। तो जब हम यही बोल रहे हैं कि हमको भी पैसा मत दो, तो क्यों आप लोग अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं? तो ऐसा कभी नहीं करना है, और आपके साथ जो भी नुकसान हुआ है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि क्रिप्टो में हमसे सिर्फ आप वर्चुअली सीख सकते हैं बस, और इसके अलावा हमारा आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि आप हमको पैसा दें, ऐसा कभी नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब कई लोग तो बेचारे ये भी चाहते हैं कि हम उनको कोर्स सिखाएं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस दिन हमने ऐसा शुरू किया उसके पीछे लोग बहुत सारे स्कैमर आ जाएंगे और लोगों का पैसा और बटोरेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ एक एक स्टेप रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो इसका मतलब यही है कि कभी भी किसी भी स्कैमर के चक्कर में मत फंसे। अगर आपको भी कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो समझ लीजिए स्कैमर है। हम अपनी ओर से पहली बार आपको कभी मैसेज नहीं करते हैं, तो इससे बच के रहना है। और मैं समझ सकता हूँ आपका पेन जो कि आपको महसूस हो रहा है, लेकिन अब इसके लिए मैं यही कहूँगा कि दोबारा इन सब चीज़ों से बच के रहिए। नेक्स्ट सवाल है रिस्पेक्ट का। इनका कहना है कि सर, अलग अलग एक्सचेंज पर रखा हुआ माल क्रिप्टो ट्रस्ट वैलेट में आपको भेजना है, भले ही वो $10 के नीचे हो। तो बिल्कुल, हमने उसके बारे में वीडियो बनाई है, डिटेल में आपको बताया है, ऊपर आई बटन में वीडियो है, आराम से उसको देखिए और सीखिए। मतलब ऐसे नेटवर्क हैं, ऐसी ब्लॉकचेन है जिससे आपका बहुत थोड़ा भी पैसा है तो बहुत थोड़ी फीस में वो पहुंच जाएगा जहां पर आपको भेजना, ट्रांसफ़र होता रहेगा, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है गौतम गन का। कहना है कि सर, कितनी बार पूछ लिया है, अगर मुझे इंडिया में क्रिप्टो बिज़नेस करना है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ना तो लीगल किया है, और आपका कहना है कि अभी तक लीगल नहीं किया, इलीगल नहीं किया। तो देखिए, आपका बिज़नेस अगर इस चीज़ को सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड कर सकता है, उसके जो टर्म एंड कंडीशन है, GST वगैरह और TDS वगैरह आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो कर सकते। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स से हमारी डिस्कस हो रहा है जो इंडिया में रह के इंडिया में प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, तो होता है यहाँ पर। मतलब बस आपको उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आप उसमें मैनेज और एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद एहसान का। कहना है कि आई एम वेटिंग टू बी विन ऑफ योर गिव अवे, विश मी बेस्ट लक, गुड लक। श्योर, अगर इस वीडियो में अगर आप नहीं भी होते तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहेगी, वे कभी ना कभी विनर बनी सकते हैं। और अब तो हम ऐसी भी ट्रिक भी लेकर आते जल्दी जल्दी, इस वीडियो में नहीं है,
कि मतलब कुछ एयर ड्रॉप, ताकि आप एयर ड्रॉप भी पाते रहें। नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद एसिम का, इनका कहना है कि सर क्या पी टू पी के अलावा भी कहीं से यूजिटी बाय कर सकते हैं? बिल्कुल बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब यही सिंपल कि जैसे मुझे ज़रूरत है, सिंपल यही रास्ता है कि जैसे मुझे ज़रूरत है और आप मेरे सामने हैं तो मैं ख़रीद लिया, या कोई दूसरा आपके साथ का ज़रूरत है किसी दोस्त को, तो मतलब ये मतलब पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकता है और अभी पी टू पी तो हो ही रहा है। नेक्स्ट सवाल है दीपक गुप्ता जी का, कहना है कि हाय अजय भाई, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो मार्केट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 सालों में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या देखते हो? तो देखिए 5 सालों के अंदर क्रिप्टो की हालविंग आने वाली है और इतना बड़ा ये इवेंट है जिसमें कि जो भी एक बुल रन जो क्रिप्टो की मार्केट या किसी भी मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ये समय है। तो यहाँ पर उस समय जो पुराने लोग हैं वो तो इन्जॉय करते ही करते, जो नए लोग आते हैं वो भी इन्जॉय करते हैं, मतलब रातों रात क्या से क्या हो जाता है। तो ये जो 5 साल का फिगर आपने लिया, इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे और बस यही है कि उस समय तक हम लोगों को टिक के रहना है मार्केट में, भले ही आप जिस किसी भी मार्केट में हो, बस वहाँ पर टिक के रहना है। नेक्स्ट सवाल है गौरव जी का, कहना है कि सर मोस्ट क्रिप्टो यूट्यूबर टेल्स अबाउट व्हेन टू बाय बट डोंट टेल अबाउट व्हेन टू सेल, सर काइंडली टेल स्ट्रेटजी और प्लान ऑफ व्हेन टू सेल द क्रिप्टो। देखिए सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि अच्छा सबसे पहले आपने जो यूट्यूबर के बारे में लिखा है, सभी बताते हैं बाय करने का सेल करने का, इसलिए नहीं बताते क्योंकि सपोज़ हमने कोई चीज़ 20 रुपये पर बाय की और अभी वो 80 रुपये पर चल रही है, तो हमको ये नहीं आइडिया कि हमको किस पर सेल करना चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे यानी एक दिन की ट्रेडिंग नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म होती है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने से ऊपर की ट्रेडिंग होती है, तो उसमें हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं कि कब हमको बाय के बाद कब सेल करना है। दूसरा, अब आपको स्ट्रेटेजी जानी, इसके लिए हमने वीडियो बताई है कई सारी कि कब सेल करना है, लेकिन फिर भी इस शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूँ कब सेल करना चाहिए। तो आप देखिए उस कॉइन की क्या औकात है, क्या हैसियत है, किस प्रोफाइल का कॉइन हमने ख़रीदा है। अगर वो मीम कॉइन है तो आप सब कुछ भूल कर सिर्फ ये याद रखिए ख़रीदने के बाद कब हमको सेल करना है। अगर वो बिटकॉइन जैसा कॉइन है तो आप आराम से सोइए, चिंता मत करिए। अगर वो बुल रन के बाद भी, अगर आप बुल रन में भी ख़रीद जाए तब भी वापस से नेक्स्ट बुल रन का इंतज़ार करेंगे और अपना अच्छा खासा जाएगा, मतलब बस थोड़ा सा होल्ड करना है। मतलब कहने का कि कॉइन अगर अच्छे हैं तो होल्ड करना है, कॉइन अगर ख़राब है तो अलर्ट रह के सिर्फ ये देखना है कि कितनी जल्दी हम इसको निकालें अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट लेके। नेक्स्ट सवाल है रिलैक्स म्यूज़िक का, इनके कई सारे मल्टीपल सवाल है, 4 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि आई एम माइनर, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट विल हैपन आफ्टर ETH proof of stake merge। कई सारी वीडियो में इधर हमने बताया है, आपको सवाल का जवाब मिला होगा पहला वाला। दूसरा, इट इज़ पॉसिबल फॉर लूना बाउंस बैक, नहीं देखिए सेफ मून लूना ये जो स्कैम किए ना दोबारा कभी आए नहीं, और जो आए हैं तो वो थोड़ा मोड़ा और ज़्यादा वापस लेने के लिए आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड सवाल है, व्हेन विल द क्रिप्टो ब्लीड आउट विद फिनिश इन योर थॉट एज माई पोर्टफोलियो कम्स 25% ऑफ माई टोटल वर्थ। हाँ ये हालत अभी सभी की है जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कॉइन नहीं बाय किए थे, क्योंकि कुछ कुछ कॉइन रिकवर किए हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो मार्केट से ही गायब हो गए हैं, हो सकता है उनमें से कुछ आपके पास भी हो, कोई बात नहीं, अभी कुछ समय में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट 1-2 सालों में अपना बुल रन देखने को मिलेगा, तो टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आपका 4th सवाल है स्क्वाड गेम के बारे में, जो कि एक स्कैम प्रोजेक्ट था, और उसके बाद आपने मिलकर थैंक्स वेटिंग फॉर योर रिप्लाई नेक्स्ट संडे, ये आपका रिप्लाई हो गया, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है अंकित कुमार का, इनका कहना है कि सर FTX टोकन डॉट चेनलिंक सोलाना मैटिक बिटकॉइन इथेरियम BNB ये सारे जो टोकन हैं ये सारे ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आराम से ईजिली आप इनको रख सकते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे यानी एक बुल रन का कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ये टोकन। नेक्स्ट सवाल है ER भीष्मदेव का, इनका कहना है कि हाय सर, ऑल क्रिप्टो आर इन बाइनेंस एंड वजीरेक्स एक्सचेंज, प्लीज़ सजेस्ट इफ़ इट्स सेफ या ट्रांसफ़र टू ट्रस्ट वैलेट। अगर आपका मतलब वहाँ पर अच्छे से रख सकते तो रख सकते, रखे रहिए, और ट्रस्ट वैलेट पर भी ऑप्शन है, बाइनेंस भी ठीक है, वजीरेक्स भी इस समय कुछ कुछ सुधार होना शुरू हो गया है, इंडिया के जो भी एक्सचेंज है स्पेशली वो सारे अभी जैसा कि जिस जगह पर हम लोग हैं वहाँ से जो हम लोग यहाँ से फील कर रहे हैं वो काफ़ी इंडिया के एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फिर से उस जगह पहुँचने की जहाँ पर वो हुआ करते थे आज से 1-1.5 साल पहले, तो अपना एफर्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है। इंडियन जो भी एक्सचेंज है वो अपना एफ़र्ट शुरू कर दिया, अभी कुछ दिन पहले तो बिल्कुल डाउन हो गए थे लेकिन अभी फिर से वो एफ़र्ट शुरू कर दिया, और एफ़र्ट की वजह से ही हम सब आप
मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और उन्होंने एफर्ट शुरू कर दिया। तो अभी फ़िलहाल आप अभी अभी आपके लिए सभी चीज़ें बराबर है इस समय की कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट सवाल है सिकंदर आर्य का, कहना है कि अजय भाई मैं बाइनेंस पर TRX और ईडा मैटिक को स्टेकिंग करके रखा हूँ, क्या ये सेफ़ है, बिकॉज आई एम मैं बहुत लॉस में चल रहा हूँ। देखिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेकिंग अच्छा काम है, उसको करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे हमारी जो क्रिप्टो खरीदी उसकी तो ग्रोथ हो ही रही, साथ ही साथ हमको मल्टीपल रिटर्न भी मिल रहा, तो आराम से स्टेकिंग करिए, निश्चिंत वो करिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है याकूब अली का, इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, और इनका कहना ये है कि कभी अपने गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से ट्रस्ट वैलेट गैप हो गया तो क्या होगा। तो देखिए जो क्रिप्टो है हमारी वो ब्लॉकचेन पर है, और ट्रस्ट वैलेट उसको सिर्फ शो करता है कि वो क्रिप्टो एक्चुअल में है कहाँ, मतलब वो एक सिर्फ एक माध्यम है। तो ट्रस्ट वैलेट गैप हो गया, मेटामास्क ऑप्शन है, एक्सट्रस, कई सारे डेक्स हैं जिस पर कि आप अपनी क्रिप्टो को वॉच कर सकते हैं एक वैलेट की, जैसे जिस तरह मेटामास्क हम लोग यूज़ करते हैं, आप देखिए रखी रहती है ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में भी एक्सेसिबल होती है। तो डेक्स का मतलब ये है, और बाकी बहुत सारे और भी ऑप्शन आएंगे, कभी ऐसी स्थिति आई तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं, मतलब ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है आशु जी का, कहना है कि भाई एक क्वेश्चन है, एडुकेटरल फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी टेस्टनेट वर्सेस मेननेट क्या होता है, टेस्टनेट पर आने के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है कॉइन पर, और मेननेट पर आने के बाद क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो प्लीज़। अच्छा डिटेल वीडियो ज़रूर आएगी टेस्टनेट मेननेट पर, और अभी हम लोग शॉर्ट आंसर में बात कर लेते हैं। देखिए टेस्टनेट मेननेट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट उसको अपने अपनी जो भी उन्होंने अपने रोड मैप में सेट किया, जो उनका वर्ड जो काम है उनका क्रिप्टो में, सपोज मेटावर्स का कुछ गेमिंग डिज़ाइन किया है, तो उस गेमिंग में क्या क्या चीज़ें जो उन्होंने ऐड की वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं, वो कब पता चलेगा, जब वो यूज़र यूज़ करेगा। जिस तरीके से आपको याद हो जियो ने जब लॉन्च किया था तो उसने स्टार्टिंग के कई महीनों तक का फ्री इसलिए दिया था क्योंकि उनका भी जियो का सारा चीज़ टेस्ट नेट पर था, टेस्ट मतलब चीज़ें टेस्ट हो रही हैं अभी, और उनका रियल एक्सपीरियंस का पता चलता है जब यूज़र यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो मेन नेट यानी कि मेन में तब आते हैं जब उनको पता चल जाता है कि हमारी ये कमियां थी, मैंने इसको सुधार लिया, अब छोटी मोटी कमियों को पूरी लाइफ भर सॉल्व करते रहेंगे। तो ये सिंपल सा छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट सवाल है समर राज सिंह का, इनका कहना है कि अजय भाई आप काफ़ी हेल्पफुल पर्सन हो, थैंक यू सो मच। आपका कहना ये है कि आप हर डाउट को जवाब देते हो। हाँ बिल्कुल यही हमारा काम ही है। और आपका सवाल ये है कि आपका कहना है कि गवर्नमेंट अगर ये सारे क्रिप्टो के एक्सचेंज ऐप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक्सेस करने से हमें बैन कर देती है तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे बाइनेंस और डेक्स को, एनी सोल्यूशन। देखिए दोस्त क्या होगा कि अगर ये सारी चीज़ कभी होती हैं, हालांकि ये सब चीज़ शुरू से ही डिसेंट्रलाइज डिज़ाइन है, तो सतोशी नाकामोटो उन्होंने ही ये सारी चीज़ें पहले से ही इस हिसाब से डिज़ाइन की थी कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी करना चाहे तो उससे पहले उसको सोचे। अभी इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात किया तो इंडियन गवर्नमेंट भी खुद से इसमें कोई इनिशिएट नहीं ले रही है, उसका यही कहना है कि ग्लोबली अगर चीज़ें होंगी तो हमको भी करना है, बाकी उन्होंने टैक्स लगा दिया है तो अभी कोई ऐसा एकदम रातों रात ब्लैंकेट बैन वाली सीन नहीं है, क्योंकि 30% टैक्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला नंबर आपको पता चलेगा नेक्स्ट ईयर से जब लोग अपना TDS अपना जो टैक्सेस है वो जमा करेंगे, एक बहुत बड़ा नंबर क्रिप्टो से जमा होगा, जो कि एक गवर्नमेंट को भी लगेगा कि हाँ जिस तरीके से गवर्नमेंट के एक मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से उनको पैसा आता है, चाहे वो उनका आबकारी विभाग हो या जो भी गवर्नमेंट के ऐसे रेवेन्यू जनरेशन वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनमें से ये भी एक हो जाएगा, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको हो सकता है और अच्छे से संभाले, क्योंकि हर गवर्नमेंट को टैक्स इंप्लीमेंट करने पर फ़ायदा होता है और इंडियन गवर्नमेंट को भी होगा, और गवर्नमेंट उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस भी करती है। तो अभी ऐसा नेगेटिव मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से काफ़ी कुछ अच्छा चेंज देखने को मिल सकता है, CBDC भी आ रही है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को बैकअप में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और अब हम लोग बात करते हैं आपके जो जिन लोगों ने सवाल किए थे उन सब के बारे में, और ये अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग निकालते हैं 3 लकी विनर रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए, जो कि पिछले संडे की वीडियो में जिन लोगों ने भी कमेंट किए थे उन सभी कमेंट को इस रैंडम कमेंट से फ़िल्टर कर जो भी डुप्लीकेट कमेंट है उनको भी फ़िल्टर कर हम लोग रैंडम कमेंट पिकर के जरिए विनर निकालते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है आप सभी के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसमें
जो भी लकी विनर हैं, जो भी जिन लोगों ने कमेंट किया, वो उन सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। और अगर आपको भी इसमें पार्टिसिपेट लेना है तो कुछ नहीं, सिंपल इतना ही करना है, जो भी वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसी के नीचे कमेंट कीजिए। और कमेंट में करना ये है कि जो भी सवाल क्रिप्टो से रिलेटेड आपके मन में आ रहा हो, वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसका सवाल मिलने के चांसेस हैं। और दूसरा, इसी कमेंट फिल्टर के ज़रिए हम लोग आपको लकी विनर भी, अगर ये सॉफ्टवेयर बताता है तो आप हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल इतना ही है। और नेक्स्ट वीक से हम लोग ये करेंगे कि ओके, वेरी गुड, बेस्ट, गुड लक, वो कमेंट हम लोग ये समझेंगे कि वो लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों ने कमेंट नहीं किया है, उन लोगों ने सिर्फ वीडियो अच्छी लगी है या आप सिर्फ तारीफ़ करना चाहते हैं। उस कमेंट को अगर रैंडम कमेंट पिकर में अगर वो पिक हो जाता है तो उसको स्किप करके दूसरा नया कमेंट चुना जाएगा। इस बार तो चलिए कंसीडर करते हैं नेक्स्ट बार के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लकी विनर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट लकी विनर, सबसे पहले लकी विनर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आपका नाम है अतुल कुमार, फर्स्ट विनर। नेक्स्ट लकी विनर कौन है इनको देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट लकी विनर है बेरोज़गार। बाप रे वाह, देखिए नाइस कमेंट, वेरी नाइस कमेंट। ये इस तरीके का अगर नेक्स्ट वीक से होगा तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, इस हफ्ते लिया गया है, ये लास्ट वीक है। नेक्स्ट थर्ड विनर कौन है, थर्ड विनर है सचिन। इनका भी कमेंट है ग्रेट वीडियो सर। तो कोई बात नहीं, अभी इस बार चला लेते हैं। नेक्स्ट वीक से आप सभी को यही करना है कि इस तरीके कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना है, इस तरीके के कमेंट का मतलब हम सिर्फ ये समझेंगे कि आपको वीडियो समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, बस इतना। तो सिंपल सी ये सारी चीज़ें। और जो भी लोग लकी विनर हुए हैं उन लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल जो कमेंट उन लोगों ने किया है वेरी गुड वेरी नाइस, उसमें उसी के नीचे अपना USDT का एड्रेस भेज दीजिए, उसको नेक्स्ट संडे नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले आपको मिल जाएगा। और जो भी लोग क्वालिफाई हैं वो भी सैटरडे से पहले पहले हमको मैसेज कर दे। अगर कुछ भी डिले हमारी ओर से होता है तो आपकी कोई गलती नहीं, आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल। उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी के सवाल का सही सही जवाब देने की कोशिश किया होगा, और जिन लोगों के सवाल शामिल हुए उनका तो बहुत अच्छा, जिन लोग गिव अवे विनर हुए उनके लिए भी गुड लक, और जो लोग सवाल शामिल नहीं हुआ बिल्कुल रिग्रेट मत करिए, वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में शामिल होगा, क्योंकि हम तो अभी ज़िंदा है ना, अभी तो हमारे को बहुत सारी वीडियो बनानी है, हर संडे को वीडियो बनाएंगे और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे डाउट है जिन पर ना तो वीडियो है ना तो कहीं पर उनके बारे में जानकारी है, आर्टिकल भी कोई जल्दी जल्दी नहीं मिलते, तो उन सभी के बारे में ये वीडियो हमने सिर्फ आपके लिए बनाई है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से कमेंट करना है इसी वीडियो में, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।